नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त महंगाई ही महंगाई लोगों को नज़र आ रहा है। जैसा कि आपको बता दूं, यदि आप 30 किलोमीटर की यात्रा करना चाहते हैं, बस से यात्रा करना चाहते हैं, गांव से आप डिस्ट्रिक्ट जाना चाहते हैं और 30 किलोमीटर है तो आपका 49 रुपये किराया बस का लगेगा। और वहीं पर आपको बता दूं, पहले 20 रुपये से लेकर 25 रुपये हुआ करता था, लेकिन आज महंगाई की समय में 49 रुपये किराया लगता है। साग सब्जियां आसमान छू रही हैं, सरसों का तेल, दाल और डीजल, पेट्रोल सामग्रियां सभी, और यह बहुत ही बढ़त बनाए हुए हैं। आम जनता, गरीब जो कि बहुत ही जो है मजबूर है, और इस कोरोना काल में लोगों को दाने दाने के लिए आम व्यक्ति को जो है तरसना पड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पात्र और राशन कार्ड था, भारत सरकार और राज्यों की सरकार ने उसे जो है लाभ तो मिला राशन का, लेकिन वहीं पर जिसके पास राशन कार्ड नहीं था और गरीब व्यक्ति है और उसका राशन कार्ड नहीं बना है तो उसे जो है गरीबी से काफ़ी झेलना पड़ा है। और उस वक्त आपको बता दूं कि यह आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहा है। हर चीज़ साग सब्जी महंगी है, और बाज़ार में यदि आप 100 रुपये लेके जाते हैं तो 10 रुपये के बराबर होता है, और वह सामान का कुछ पता ही नहीं चलता कि आप क्या लेकर आ रहे हैं और क्या आपने सोचा था लेने के लिए। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि फैशन के दौर में कहा जाए, या जो है महंगाई के दौर में कहा जाए, या हम कोरोना काल की आर्थिक स्थिति के दौर में कहा जाए, तो यह सब चीज़ महंगा दिखाई दे रहा है। तो हम आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।